कैसे हैं? आपने गौर किया कि सडनली जिंदगी में किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं रही, इम्पोर्टेंस ही नहीं है। वो कोई उपलब्धि हो, कोई अचीवमेंट हो, मेरे पास इतनी कमीज़ें हैं, मेरे पास इतने सूट्स हैं, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, या मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं देखो क्या करके दिखाता हूँ, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ, ये सब बेमानी से लगने लगा है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो माँ भी नहीं है, माँ भी भाई के घर पे बैठी हुई है। सो एवरीथिंग इज बिकम सो अनइम्पॉर्टेंट। हम तुच्छ मात्र हो गए, तुच्छ मात्र समझते ना, जीरो। हम जीरो, इस बात का एहसास हमें हो जाना चाहिए था कि हम जीरो ही थे। हमारा दिमाग खराब हो गया था, हम अहंकार की चरम सीमा तक पहुंच गए थे। हमारे अहंकार के, हमारे एरोगेंस की कोई इंतहा ही नहीं रही थी। हम अपने आप को खुदा, भगवान, गॉड समझने लगे थे। हमने मुहावरा ही बना लिया था, इज गॉड। बट आगे सब औकात पे, जमीन पर मोहताज हो गए, सब डरे डरे से इधर अपने घर में डरे डरे से घूम रहे हैं, इधर उधर। एक बिना बात की एक ऐसी हंसी जो आँख तक पहुंचती नहीं। मेरा मतलब आपको डिमोरलाइज करने का नहीं है, मेरा मतलब है कि ये, मैंने पहले भी कहा था, ये अमृत मंथन है। इसमें जहर भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, पर जब अमृत निकलेगा और जहर चला जाएगा, तो फिर उसके बाद हम अपने आप को दोबारा भगवान, खुदा, गॉड ना समझने की कोशिश करें। हम अपने प्लैनेट के आसपास के लोगों की कद्र करें, उनकी उनकी इज्जत करें, है ना।